कोरोना को खत्म करने के लिए जहां एक ओर स्वास्थ्य विभाग युद्ध स्तर पर काम कर रहा है, वहीं दूसरी ओर अब हेल्प एंड इंडिया भी स्वास्थ्य विभाग की इस मुहिम में उनकी पूरी मदद कर रहा है ताकि जिले में चल रहे कोरोना संक्रमण को कम किया जा सके। ये संक्रमण ज्यादा ना फैले इसके लिए लोगों को गांव-गांव जाकर कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। सोलन के बसाल में हेल्प इज इंडिया द्वारा टीका महोत्सव मनाया गया, जहां लोगों ने बढ़ चढ़कर इस महोत्सव में भाग लिया और कोरोना वैक्सीन लगवाई। हेल्प इज इंडिया के सामाजिक सुरक्षा अधिकारी मनोज राज शर्मा ने बताया कि उनका प्रयास है कि कोरोना संक्रमण को जिला में फैलने से बचाया जा सके, जिसके लिए उनकी संस्था स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए जागरूक कर रही है। इसके लिए सोलन के बसाल में टीका महोत्सव मनाया गया। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों तक कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करना था, जिसमें वे कामयाब भी हुए और करीबन 130 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी इसी तरह उनकी संस्था स्वास्थ्य विभाग के साथ काम करती रहेगी। नाम मनोज राज वर्मा है और मैं हेल्पेज इंडिया में सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 11 से 14 तारीख तक हमें टीका महाउत्सव का आयोजन करना है, जिसमें कि हम 45 साल से ऊपर के लोगों का ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण कर सके। इसी संदर्भ में हेल्पेज इंडिया ने आज एक हेल्थ कैंप का आयोजन किया है, जिसमें कि हमने 130 लोगों का टीकाकरण किया है, जिसमें चंबा घाट के आसपास के गांव के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हम धन्यवादी हैं स्वास्थ्य विभाग सोलन के, जिन्होंने हमें सहयोग किया और इस कार्यक्रम को पूर्ण करने में हमारी सहायता की।